बात करते हैं यार ल्यूकोरिया के नोट्स की, ठीक है। ल्यूकोरिया क्या होता है? इट इज एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सेसिव, याद रखना, एक नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जब एक्सेसिव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर जो है एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। ये तो कुछ क्राइटेरियाज हैं कि भाई ल्यूकोरिया कब बोलेंगे, है ना। तो क्राइटेरिया सबसे पहले क्या है कि एक्सेसिव सिक्रीशन होना चाहिए, एक्सेसिव सिक्रीशन मतलब एक तरह से कैसे समझ आएगा, एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है बोल के परसिस्टेंट वॉल्वर मॉशनेस देखने को मिलता है। एंड स्टेन देखने को मिलता है अंडर गारमेंट्स। दूसरा, नॉन प्यूरुलेंट एंड नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिलता है, नॉन प्यूरुलेंट एंड नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिलता है, नॉन इरिटेंट होता है डिस्चार्ज जो है, एंड इट नेवर कर्स व्हाट, इट नेवर कर्स प्रूराइटिस, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है भाई कि नॉर्मल वेजनल डिस्चार्ज एक्सेसिव हो जाने का, मतलब डिस्चार्ज जो है ज़्यादा हो जाने का, जिसको हम ल्यूकोरिया बोल रहे हैं। कारण क्या क्या हो सकता है भाई? सो फिजियोलॉजिकल कर्स हो सकता है, सर्वाइकल कर्स एंड वेजाइनल कर्स। सबसे पहले तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल कर्स की, तो फिजियोलॉजिकल कर्स में तीन कारण की वजह से हो सकता है। अगर प्यूबर्टी है, ठीक है, प्यूबर्टी अगर आ रही है लड़की के अंदर, बच्ची के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो एंडोसर्वाइकल एपिथिलियम का ओवर ग्रोथ देखने को मिलता है। एंडोसर्वाइकल एपिथिलियम का ओवर ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड इससे क्या होता है, सर्वाइकल एक्टोपी देखने को मिलता है। सर्वाइकल एक्टोपी मैंने बताया कि जो स्क्वामस एपिथिलियम है एक्टोसर्विस में, वो रिप्लेस हो जाता है कॉलमनार एपिथिलियम से। इसके वजह से भी एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, या अगर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है एंड जिससे सर्वाइकल ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंड जिसके वजह से एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो ये फिजियोलॉजिकल का इसमें। तीसरा है, अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट है फीमेल के अंदर, तो इस सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। एंड जो बार्थोलिन ग्लैंड ओवर एक्टिविटी देखने को मिलती है, इसके वजह से भी एबनॉर्मल, मतलब एक्सेसिव नॉर्मल डिस्चार्ज है, एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल डिस्चार्ज है। कितनी फिजियोलॉजिकल कॉज हो गए ना। अगर सर्वाइकल कॉजेज की बात करें, अगर सर्विक्स के अंदर सर्विसाइटिस हो गया, भी हमारे पास नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर म्यूकस के पॉलिप हो गए तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। क्योंकि सर्वाइकल कॉज, कुछ वेजाइनल कॉज भी होते हैं यार, हमारे पास अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, सो ये देखने को मिल सकता है। इन केसेस ऑफ क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, तो हमने बात की अबाउट द कॉजेस क्राइटेरिया ऑफ ल्यूकोरिया। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में कैसे, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे भाई? हाँ, ल्यूकोरिया ही है तो पहले डिस्चार्ज देखते हैं। डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए? नॉन प्यूरुलेंट, है ना, नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए एंड नॉन इरिटेंट होना चाहिए। एंड जो वॉल्वल एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम, वॉल्वल एग्जामिनेशन में वाइट या फिर क्रीमी डिस्चार्ज देखने को मिलता है एंड नो एविडेंस ऑफ प्रोराइटिस। वाइट और क्रीमी डिस्चार्ज विथ नो
एविडेंस ऑफ प्रूराइटिस। तो हो गया हमने बात की वो डायग्नोसिस, ठीक है। सो डायग्नोसिस के बाद हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वही लोकल हाइजीन पे ध्यान देंगे यार, बेसिक चीज़ें हैं, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। फीमेल को बोलेंगे, बच्ची को बोलेंगे कि, है ना, लड़की को बोलेंगे कि अपना जनरल हेल्थ इम्प्रूव करे, अगर पिल्स ले रहे तो उसको रोक दे, स्टॉप पिल्स। एंड सर्वाइकल इरोजन की वजह से अगर यहाँ पे ल्यूकोरिया है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है यार, लाइक एक्टोकॉटरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी या फिर क्रायो सर्जरी। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट ल्यूकोरिया, क्राइटेरिया, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस।